गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का विषय हमारा व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा एक। आज हम देखेंगे पेज नंबर 7 पाठ दूसरा यानी चैप्टर नंबर 2 हिंदी वर्णमाला हिंदी अल्फाबेट। वर्णमाला जैसे हमने क से कमल ख से खरबूजा ये पढ़ा है ना, उसे वर्णमाला कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स। रमा दीदी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बताया, बालक मीन्स बच्चा, अमन, अम न अमन। ध्यान दो, बालक ने अपना नाम अमन बोलने के लिए कुछ आवाज़ या ध्वनियाँ निकाली। ये ध्वनियाँ हैं अ, म और न। बालक ने अ, म और न का उच्चारण किया, बिना रुके एक साथ किया, यानी अ, म, न, इसका उच्चारण बिना रुके एक साथ यानी अमन अमन इस तरह किया। अपनी भाषा में बातचीत करने के लिए हम जिन ध्वनियों की सहायता लेते हैं वे ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। यानी हम जैसे अभी इसने अमन अमन ये नाम बताया अपना, तो हमने जो ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकाली, जो वर्ण निकाले, वो वर्ण उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जो ध्वनियाँ निकाली अ म न, उसे क्या कहते हैं, वर्ण। जब इन वर्णों को एक साथ क्रम से लिखते हैं या बोलते हैं तब इसे वर्णमाला कहते हैं, है ना। ये अ म न ये क्या हुए, वर्ण। लेकिन इसे जब एक साथ हमने लिखा अमन, तो ये क्या हो गई, वर्णमाला। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, यानी वर्णों को मिलाकर जो लिखते हैं वर्णों का समूह यानी एक साथ लिखे हुए बहुत सारे, तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब देखिए पेज नंबर 8। नीचे देखो और बताओ कि हिंदी की वर्णमाला यही है ना। देखिए अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, है ना। ये ऊपर वाले हमने क्या पढ़े, यस स्वर बताए थे ना मैंने आपको। अब देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इन वर्णों को गिनोगे तब पता चलेगा कि हिंदी में कुल 44 वर्ण है, यानी 44 वर्ण है अल्फाबेट। कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में कोई रुकावट नहीं होती है, इन्हें स्वर कहते हैं। अब मैंने बताया ना ये ऊपर वाले क्या थे, स्वर। जैसे अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में कुछ रुकावट का अनुभव होता है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण अ की सहायता लेनी पड़ती है, ये व्यंजन कहलाते हैं। ये है क ख, है ना, आगे अ का स्वर निकलता है ना, ग घ अंग, च छ ज झ ञ, है ना, इनके पीछे अ का स्वर निकलता है ना, जैसे च अ इस तरह से। अब देखिए पेज नंबर 9। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। अब देखिए, अब इन चित्रों के नाम पढ़ो।
चलो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो पहला वर्ण क्या है, ब। ब पर क्या स्वर लगा है, ऊ, तो क्या बन गया, बू। ड पर कौन सा स्वर लगा है, ये आ का स्वर बोला जाता है उसे, आ की मात्रा वाला है ना, तो क्या बन गया, बूढ़ा। उसी तरह स, ड और क्या है, क, तो क्या बन गया, सड़क। अब देखिए मेंढक, मेंढक। ड म रू, डमरू। तुमने देखा कि डमरू के ड और सड़क के ड के उच्चारण अलग अलग है, इसी प्रकार मेंढक के ढ और बूढ़ा के ढ के उच्चारण भी अलग अलग है। देखा ना, यहाँ पर बूढ़ा पढ़ा हमने और यहाँ पे क्या पढ़ा, मेंढक, ड और ढ। यहाँ पर आपने देखा बूढ़ा के नीचे एक बिंदु लगा है जिसे हम पॉइंट कहते हैं, है ना, तो इसे हमने ढ पढ़ा और इसे ड पढ़ा। उसी तरह सड़क, यहाँ पे ड पढ़ा क्योंकि इसके नीचे एक बिंदु यानी पॉइंट लगा है, और यहाँ पे ड पढ़ा तो इसके इस पर कोई पॉइंट नहीं लगा है। अब देखिए पेज नंबर 10। ड और ढ भी हिंदी में व्यंजन की तरह ही बोले और पढ़े जाते हैं। इन चित्रों के नाम पढ़ो। अब देखिए क्या है ये, कौन सा चित्र है, पहचानिए। यस, क्षत्रिय। कौन है ये, क्षत्रिय। ये क्या है, यस, त्रिशूल। ज्ञानी और ये श्रवण। अब देखिए तुमने देखा कि इनमें कुछ नए प्रकार के वर्ण आए हैं, ये है श, त्र और ज्ञ, श्र, है ना, ये श और ये त्रिशूल का त्रि, त्र ज्ञानी का ज्ञ और श्रवण का श्र, ये अलग वर्ण दिखाई दिए ना, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है, क्या कहते हैं इसे, संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बने हैं। दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से जो वर्ण बनते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो देखिए अब ये श, श क्षत्रिय का श किससे बना है, श क्षत्रिय का श बना है क प्लस श, क और श को मिलके ये श क्षत्रिय का श बना है। तो अब देखिए त्र, त्र किससे बना है, त प्लस र, क्या बना है, त र त्र। ज्ञ, ज और ञ से क्या बना है, ज्ञ। श्र, श और र से मिलकर क्या बना है, श्र। तुमने देखा कि कुछ व्यंजनों ने आपस में मिलकर किस प्रकार अपना रूप ही बदल डाला है ना, मज़ेदार बात। देखिए अब अभ्यास है ना, ये आपको समझ में आ गया, ये दो दो वर्णों से मिलाकर ये वर्ण किस तरह से बने हैं। अब देखिए क बोलने की बारी, बारी मौखिक कौशल्य, बोल बोल कर पढ़ो और याद करो। ध्वनि यानी साउंड, वर्णमाला अल्फाबेट, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, वर्ण लेटर, स्वर वोवेल्स, संयुक्त व्यंजन कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स। ओके।